कि यह सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा केवल एक है, इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी।